मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है। वैसे तो अमिताभ की फिल्मों के बारे में आप सब कुछ जानते होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था जब गांधी परिवार से नजदीकियों की वजह से अमिताभ को इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा तक कहा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ ने कुछ ही समय में राजनीति से संन्यास क्यों ले लिया? या फिर उन्हें राजनीति से बाहर का रास्ता आखिर किसने दिखा दिया? अगर नहीं तो आज शेष भारत आपको बताने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं शेष भारत। साल 1984 का दिन दिसंबर की सर्द रात होती है। राजीव गांधी औपचारिक तौर पर अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ाने का ऐलान कर देते हैं। बहुत ही ढके छिपे ढंग से अमिताभ का बिल्कुल आखिरी मिनट पर नामांकन कराया जाता है, जिससे कभी कांग्रेसी रहे और लोक दल के टिकट पर चुनौती दे रहे दिग्गज हेमवती नंदन बहुगुणा को बचाव का कोई भी मौका ना मिल सके। चुनाव में अमिताभ का स्टारडम जीत गया। हालांकि जब राजीव गांधी ने उनसे इलेक्शन लड़ने को कहा था तो अमिताभ का जवाब था कि उन्हें पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता है। बावजूद इसके अगर अमिताभ ने हामी भरी तो इसकी कुछ खास वजह रही। एक वजह तो सभी को समझ आती है, वो बच्चन और गांधी परिवार के बीच की नजदीकियां। अमिताभ और राजीव गांधी अपने परिवार की दोस्ती की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। अमिताभ के माता पिता हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के ताल्लुक जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से थे। इंदिरा और तेजी के बीच गहरी दोस्ती थी। हरिवंश राय बच्चन जब राज्यसभा के सदस्य बने तो पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया। तब राजीव और अमिताभ का बचपन साथ में बीता। यही नहीं, सोनिया गांधी जब राजीव से शादी करने भारत आई तब वे बच्चन परिवार के यहां पर ही ठहरी थी। वहीं जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो कांग्रेस की कमान पूरी तरीके से राजीव गांधी के पास आई और उन्हें सहयोग के लिए अपने सबसे पुराने दोस्त की जरूरत महसूस हुई तो अमिताभ इनकार नहीं कर सके। और इसी वजह से राजनीति में सिनेमा के एंग्री यंग मैन की एंट्री बहुत ही धमाकेदार तरीके से हुई। उन्होंने सियासत के एक पुराने महारथी को हरा डाला था। वे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दोस्त थे, ऊपर से उनके पास सेलिब्रिटी स्टेटस भी था। यहां से राजनीति के गलियारे में अमिताभ का सफर बहुत आसान हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। बहुत जल्द अमिताभ को लगने लगा कि वे राजनीति के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन फिर सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पॉलिटिक्स से हमेशा के लिए तौबा कर ली? अगर इसका एक जवाब बनता है तो वह एक नाम है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी वीपी सिंह। क्योंकि वीपी सिंह अमिताभ बच्चन के लिए खलनायक बन चुके थे। राजीव गांधी ने जब अमिताभ को इलाहाबाद से खड़ा किया तो वीपी सिंह यूपी प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख थे। टिकट बंटवारे में भी उनका पूरा दखल था। वीपी सिंह ने इलाहाबाद से भी अपने खास केपी तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। अमिताभ के अचानक एंट्री मारने से वीपी सिंह को अपना कैंडिडेट वापस लेना पड़ा, लेकिन ये केवल पहला झटका था। असली झटके लगने शुरू हुए अमिताभ के इलाहाबाद में कदम रखने के बाद, क्योंकि उनकी स्टार पावर के आगे सारी चीजें फीकी पड़ गई थी। अमिताभ ने भी जनता से संवाद कायम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव जीतने के बाद भी वे भरसक प्रयास करते कि शूटिंग के समय निकालकर अपने लोकसभा क्षेत्र का चक्कर लगा लें। क्षेत्र की हर योजनाओं में उनकी दिलचस्पी होती। यह अनोखी चीज थी कि अमिताभ जैसा सितारा सांसद के कामों में इतनी दिलचस्पी ले रहा था। लेकिन इसने यूपी कांग्रेस के तमाम नेताओं के मन में असुरक्षा की भावना भी पैदा कर दी थी। इनमें वीपी सिंह भी थे, जिसके बाद अमिताभ को राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाने की शुरुआत हो चली। दरअसल एक तो अमिताभ का कद और ऊपर से प्रधानमंत्री के दोस्त का तमका, पुराने कांग्रेसियों को अमिताभ रास नहीं आ रहे थे। हालांकि उस समय तक वीपी सिंह का कद और बड़ा हो चुका था। राजीव मंत्रिमंडल में उन्हें वित्त मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। बावजूद इसके वे अपने बेस को नहीं छोड़ना चाहते थे। अमिताभ के आने के बाद उन्हें अपना क्षेत्र हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। असुरक्षा की इसी भावना ने उन्हें अमिताभ के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। अमिताभ अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं मिल रहा था। वित्त मंत्रालय में बैठे वीपी सिंह ने एक तरह से अमिताभ के खिलाफ छिपा हुआ मोर्चा तक खोल दिया था। उनकी ओर से मीडिया को हिंट दिए जाते कि अमिताभ को लेकर कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल तब तक अमिताभ के भाई अजिताभ बच्चन स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए थे और स्विस बैंक की कहानियां लोगों को तब तक
काफी लुभाने लगी थी। फिर अमिताभ पर ये आरोप भी लगाया गया कि वे एक उद्योगपति परिवार और राजीव गांधी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। और फिर निकला सबसे बड़ा जिन वो फोर्स घोटाला। खबरें उड़ाई गईं कि अमिताभ ने राजीव गांधी की ओर से रिश्वत खाई है। इस घोटाले में हिंदुजा ब्रदर्स का नाम आया तो कहने वालों ने यहां तक लिंक तलाशा कि हिंदुजा भाइयों ने उन प्रोड्यूसर को फाइनेंस किया जो अमिताभ को लेकर फिल्में बना रहे थे। ये बदनामी बहुत बड़ी थी, इतनी कि अमिताभ ने संसद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इससे सवाल और तीखे हो गए। लोग पूछने लगे कि अमिताभ ने इस्तीफा दिया है या राजीव ने उन्हें निकाल दिया है। वीपी सिंह अब खुलकर सामने आ गए थे। कांग्रेस से बगावत कर वे इलाहाबाद उपचुनाव में खड़े हुए और जीत हासिल की। पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दरमियान उनके निशाने पर मुख्य रूप से अमिताभ बच्चन ही रहे। खैर, अमिताभ के लिए मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। बोफोर्स घोटाले की गूंज ने कांग्रेस को अगला आम चुनाव हरवा दिया और वीपी सिंह पीएम बन बैठे। अमिताभ को आशंका थी कि अब उन पर ज्यादा निशाना साधा जाएगा। हुआ भी यही। जांच से जुड़े कुछ लोगों ने दावा किया कि बोफोर्स घोटाले का पैसा एक ऐसे अकाउंट में भी भेजा गया जो अमिताभ के भाई अजिताभ के नाम पर है। अमिताभ जानते थे कि खबर गलत है और वे इसके खिलाफ कोर्ट जाना चाहते थे, लेकिन करीबियों ने उन्हें समझाया कि इस केस में फैसला होने में बरसों लग सकते हैं। लेकिन यह खबर एक स्वीडिश अखबार ने भी पब्लिश की थी और उस अखबार का सर्कुलेशन इंग्लैंड में भी था। अमिताभ ने उस न्यूज़पेपर के खिलाफ लंदन की एक अदालत में केस लड़ा और जीत हासिल की। इलाहाबाद में मिली जीत के बाद राजनीति में उनके नाम ये दूसरी जीत थी, क्योंकि वीपी सिंह की सरकार बोफोर्स घोटाले में अमिताभ का कोई हाथ तलाश नहीं पाई। आखिरकार जब चंद्रशेखर पीएम बने तो उन्होंने अमिताभ के मामलों की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी। खैर, अमिताभ का लोगों के लिए बहुत कुछ करने का जुनून खत्म हो गया और जिस तरह से वीपी सिंह ने उन्हें राजनीति से बाहर करने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी, दोबारा राजनीति में आने की अमिताभ बच्चन की हिम्मत ही नहीं हुई। और यही वजह है कि अमिताभ बच्चन ने आज तक राजनीति से तौबा की हुई है। फिलहाल राजनीति के ये अनसुने किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।